और सुनने की बात है तो हमारे भी कान सुनी जाती है, मेरे कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता मेरी। द वर्ल्ड इज नॉट फेयर, राइट। मेरा नाम अनंत है, मैं सेंट मेरी से पढ़ा हूँ। इनिशियली मैं शालीमार गार्डन में रहता था, उसके बाद हम दिल्ली रोहिणी में आ गए। स्कूलिंग से ही मैं बचपन से ही कर रहा हूँ तकरीबन ये, बट उसके बाद एज द स्कूल वॉज गोइंग टू एंड आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर। कॉलेज में भी व्हेन आई वाज डूइंग इंजीनियरिंग तब भी मैं थिएटर करता रहा। कॉलेज में ही मैं और मेरा एक जो पार्टनर है तरुण, हम दोनों ने यक्षागना थिएटर ग्रुप को फॉर्म किया। काफ़ी सारे नाटक हम लोगों ने साथ किए हैं, श्रीराम, LTG ऑडिटोरियम, सब जगह परफॉर्म भी किया है। बट सून वी रियलाइज कि लोगों के पास नाटक बनाने के लिए जगह ही नहीं है, पार्क्स में रिहर्सल कर रहे हैं, जबकि इट शुड बी एन एनक्लोज स्पेस। तो वो जब हमें पता चला, रियलाइज हुआ, तो बहुत सालों की कोशिश के बाद फिर हमने सोचा कि ये एक ऐसा स्पेस बनाएं जहाँ पर सब लोग आ सकें, रिहर्सल कर सकें, नाटक कर सकें। जो कॉलेज छोड़े हो गए यार 7-8 साल हो गए, अब भी वही होता है, अभी डांट देते हैं। मेरे मम्मी कहते हैं सरकारी नौकरी के फॉर्म क्यों नहीं भरता तू, पर सरकारी नौकरी के मैं करना ही नहीं चाहता, सरकारी नौकरी मैं, मेरी जगह नहीं है वो। बट दूसरे लोगों के लिए, आम लोगों के लिए थिएटर को और इस काम को समझना थोड़ा सा मुश्किल है और लाजमी भी है। क्यों समझे वो, क्योंकि थिएटर में समहाओ अभी तक पैसे जनरेट नहीं हो पाते हैं। अभी भी बोल देता है जब मर्जी मेरी मम्मी, हालांकि वो जानती है कि अब तो आई एम डूइंग गुड, अब तो इट्स हैपनिंग, पर अब वो फेज जा चुका है। सभी एक्टर्स के साथ, सभी आर्टिस्ट के साथ ये होता है, ये क्या काम कर रहा है, क्योंकि पढ़ाई एकेडमिक्स के अलावा दूसरा कुछ भी करते हैं तो दैट इज़ नॉट सस्टेनेबल ना। पैसे कैसे कमाओगे, जीवन कैसे चलाओगे, जीवन हाँ यस, तो वो सवाल सारे मेरे सामने भी आए। हम टिकट्स ना रख के डोनेशन पासिस रखते हैं, क्योंकि एक तो वी डोंट नो कि जनता आएगी या नहीं आएगी, और जो आएंगे वो पैसा सुनते ही लोग यू नो 200 रुपए की टिकट लेके फिल्म देख सकते हैं वो, बट दे वॉन्ट गिव थिएटर मनी। यार सरकार तो अपनी तरफ से बहुत दे रही है, काफ़ी सारी यू नो स्कीम्स हैं जो निकलती है, निकाल रही है सरकार, पर क्या प्रॉब्लम है मैं बताता हूँ। हमें पैसा लेना, निकालना, अप्लाई करना इतना मुश्किल है कि भूल जाओ, आएगा तो पता नहीं कब आएगा। दिस स्पेस जब ये खुला था तो मुझे अच्छा लगा था, दिस वॉज लाइक अ माइल स्टोन। परफॉर्मेंस के दौरान बड़ा मजा आता है मुझे, परफॉर्म करते हुए बहुत खुशी होती है।